डियर विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे कि कैसे आप CHS क्लास 9th इंग्लिश में अपने मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकेंगे। आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि आपको इंग्लिश के लिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। आप सभी को पता होना चाहिए कि फॉर्मूला बुक टीम ने पिछले 5 वर्षों के सॉल्व पेपर को एनालाइज किया है, उसके बाद हमने आपके लिए इंग्लिश का सिलेबस तैयार किया है और ये जितने भी सिलेबस हैं उनमें हमने पाया कि ये सिलेबस 14 टू 16 मार्क्स आउट ऑफ 20 मिले हैं और कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको नहीं पढ़ना है। फॉर्मूला बुक यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश के लिए सबसे ज़्यादा डिमांड किया गया था, इसलिए हमने इस वीडियो को काफ़ी हार्ड वर्क के बाद बनाया है। और आजकल कई स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर आप वीडियोज़ क्यों नहीं ला रहे हो। सो फॉर्मूला बुक आज तक जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया है वह 100% जेन्युइन कंटेंट होता है। थोड़ा लेट हो गया, सॉरी फॉर दैट। और हाँ, अगर यह वीडियो आपके मतलब का है और आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें फॉर्मूला बुक को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको CHS से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन मिल सके। हमने इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड किया है और चारों पार्ट इसी वीडियो में बताया जाएगा। पहले पार्ट में हम बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, यानी आपको इंग्लिश का एग्जैक्ट सिलेबस बताया जाएगा। दूसरी पार्ट में बताया जाएगा कि क्या नहीं पढ़ना है और जो टॉपिक नहीं पढ़ने हैं उन टॉपिक के लिए क्या करें। तीसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, यानी हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश। चौथे पार्ट में आप जानोगे कि बेस्ट बुक और सोर्सेस जिससे आप अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करूँगा आप वीडियो को अंत तक वॉच करेंगे, जिससे आपको इंग्लिश में कोई भी डाउट या परेशानी ना हो। अब देखते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, यानी इंग्लिश का एग्जैक्ट सिलेबस। पहला है काइंड ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। दूसरा है टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तीसरा है पार्ट्स ऑफ स्पीच विथ एग्जांपल्स। चौथा है फिगर ऑफ स्पीच। पांचवा है प्रोनाउंड एंड इट्स ऑल टाइप। छठा है वर्ड रिलेटेड टू पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे मान लो वाटर है तो वाटर में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है इसे आपको बताना रहता है। सातवां है होमोफोन, भी समझ लीजिएगा। आठवां है चूज सूटेबल वर्ड्स। नौवां है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। दसवां है करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए आपको ग्रामर का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ग्यारहवां है स्पेलिंग टेस्ट और स्पेलिंग करेक्शन। 12वां है फाइंडिंग मिस स्पेल्ड वर्ड। 13वां है चूजिंग एप्रोप्रिएटिव वर्ड्स। 14वां है टेंसेस और 15वां है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, यानी नरेशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यह 15 टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो मैं श्योर हूँ कि 20 में से 15 मार्क्स बहुत आसानी से आप ला सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग, यानी दूसरा भाग, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। सो स्टूडेंट्स, 2 टॉपिक बता रहा हूँ, एंटोनिम और साइनोनिम। हर बार एग्जाम होता है जिसमें एंटोनिम और साइनोनिम के 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन वे क्वेश्चंस एज इट इज दे दिए जाते हैं, जिसका कोई आइडिया नहीं कि ये प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, NCERT से या अरिहंत से या कहीं और से। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस टॉपिक को ना पढ़ें। कई बच्चों को देखा है, वे दिन भर रात भर लगे रहते हैं अरिहंत की बुक से साइनोनिम और एंटोनिम रटने के लिए। जो समय आप इसे रटने में लगाते हैं
वही समय दूसरी टॉपिक्स पर लगाएं जिसे आप श्योर हैं कि इन टॉपिक के क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा तो नहीं हम एंटोनिम और साइनोनिम को छोड़ सकते हैं। अपने दिल और दिमाग को तसल्ली देने के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर और अपने रेफरेंस बुक से पढ़ लीजिएगा, जिससे कुछ नहीं तो क्वेश्चंस का आइडिया तो जरूर लगेगा कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आपकी वोकेब्यूलरी स्ट्रॉन्ग है तो आप आसानी से एंटोनिम और साइनोनिम को सॉल्व कर सकते हैं। यूट्यूब पर कई ट्रिक्स अवेलेबल हैं जिससे आप एंटोनिम और साइनोनिम को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो का तीसरा भाग यानी इंग्लिश को कैसे पढ़ें, जिसमें मैं तीन पॉइंट्स को बताऊंगा। पहला, लर्न बेसिक्स ऑफ ग्रामर थ्रू एनसीईआरटी एंड योर रेफरेंस बुक, यानी अपनी ग्रामर की बेसिक्स एनसीईआरटी और सीएचएस की बुक से करें, जिससे आप बेसिक टू एडवांस क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, गिव एट लीस्ट 1 आवर मिनिमम फॉर सब्जेक्ट्स लाइक हिंदी और इंग्लिश, यानी आपको कम से कम रोजाना 1-1 घंटा इंग्लिश और हिंदी जैसे सब्जेक्ट पे देना है, जिससे आपका यह सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बनेगा और आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। तीसरा पॉइंट है कि आपको एक एक टॉपिक को पढ़ते समय, एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते समय उस टॉपिक या कॉन्सेप्ट का क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से सॉल्व करने होंगे। जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट दें ओएमआर सीट पर। वीडियो का चौथा पार्ट जिसका आपको वेट था, यानी बेस्ट बुक और सोर्सेस जिससे आप ग्रामर में अच्छा मार्क्स ला सकेंगे। तो बेस्ट बुक ग्रामर के लिए मैं रिकमेंड करूंगा क्लास 10th की और क्लास 8th की एनसीईआरटी बुक। अरिहंत बुक पढ़ना मत भूलना, वो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बेस्ट सोर्सेस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम डियर सर है। इसमें आपको सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें आपको इंग्लिश की ट्रिक्स नोट्स सब कुछ मिल जाएंगे। तो बेस्ट सोर्सेस डियर सर है। गूगल बाबा पे आपको नोट्स और ट्रिक भी मिल जाएंगे। कुल मिलाकर आपको इंटरनेट का भरपूर फायदा लेना है।